तो आज अपने मैं गांव आई हुई हूँ। मेरा गांव चूरू के पास 10 किलोमीटर स्थित रतन नगर नाम से है और मेरे भाई वहाँ बकरियों का गोट फार्म चलाता है। ये लोहे की खेड़े बनाई है जहाँ बकरियाँ चराई जाती हैं। अरे ये इसमें हर नस्ल की बकरी है और इनको समय समय पर वैक्सीन दी जाती है ताकि ये बीमार ना हो और स्वस्थ और स्वस्थ रहे। सर्दी में इनको आग आग जला कर गर्मी रखी जाती है ताकि सर्दी में बीमार ना पड़े। इसका गीजर है, देसी गीजर है। इसमें गर्म पानी करके रात बकरियों को गर्म पानी पिलाया जाता है ताकि बकरियां बीमार ना हो। पावरफुल है ये। ग्वार फली और ग्वार के चारे की फलूसी खिलाई जाती है और पाला खिलाया जाता है, लूम खिलाया जाता है, इत्यादि खिलाया जाता है इनको और अनाज दिया जाता है और ये आने के लिए इसको रखा गया है। रहने के लिए बनाया गया है। ये लोहे का मजबूत गेट लगाया है रात को ताकि ये बाहर ना निकल सके और ये तीन लगाकर ऊपर ये छत लगाकर नीचे कम बना हॉल बनाया हुआ है, इसमें रात को इनको सर्दी नहीं लगे। ये बकरा 180 केजी का है। ये बकरा 120 किलो का है। ये पिछली बार आई थी जो ये 100 किलो का था, मैंने ये वीडियो पहले मेरे ब्लॉग पे डाल रखा है। अब ये 120 किलो का है और ये सिरोही नस्ल के बकरे होते हैं, इनका वेट जल्दी बढ़ जाता है। ये जो सोजत नस्ल की बकरी है और ये बकरी और ये बकरी इसी की है, ध्यान रखता है बकरियों का। इस तरह से बकरियों के जो बने हुए हैं होल उनकी सफाई की जाती है। ये आपको बकरियों की दवाइयों के बारे में बताएंगे। ये लाइमस वाले है पेट के कीड़ों के लिए, बच्चों को 5 ml और बड़ों को 10 ml दुरुस्त हो जाता है। ये टोपवेल स्प्रे है, ये घाव वगैरह के लिए है, किसी भी तरह घाव इस पर स्प्रे कर दे तो तुरंत ठीक हो जाता है। ये बाज़ार में कोई भी एंटासिड जो है लाके इनको पिला सकते हैं, ज़्यादा खाने पे और जैसे डोज ले लेते हैं जानवर, तो उसके लिए ये एंटासिड है। ये लीवर का टॉनिक है, कोई भी जानवर अगर ज़्यादा खा लेता है अपन जाती है उसके लिए है, ये टॉनिक का काम करता है। लीवा 52 एंटीवायर है, सर्दी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। किसी भी जानवर को किसी तरह कोई सर्दी जुकाम हो तो फोर्टिवेट देने पे उसको आराम मिलता है। ये मेलोनेक्स प्लस है, बुखार वगैरह हो तो इसको क्या है कि लगाने से आराम मिलता है और एंटीबायोटिक का काम भी करता है। ये इंजेक्शन है, एलर्जी किसी भी तरह की एलर्जी हो बकरा कुछ खा लेता है उसका इंजेक्शन देते हैं, अगर उससे भी कोई एलर्जी होती है तो वो इससे ठीक तुरंत हो जाता है। ये ऑस्टोवेट 40 है, ये जानवरों के लिए बकरियों के लिए किसी भी तरह की कोई कैल्शियम की कमी हो कैल्शियम के लिए ठीक रहता है और उसके अलावा डाइजेशन में भी काम आता है। ये वैक्सीन PPR में 1 ml जो है लगानी बहुत ज़रूरी है और अक्टूबर नवंबर में इसको देना ज़रूरी होता है। ये बीमारी PPR बीमारी जो है बहुत ख़तरनाक है और बकरियों में विशेषकर होती है, तो इसके लिए ये कारगर दवा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।